Hey guys, welcome back to Sweet Chilies 2.0. Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं रिसर्च की एक अनदर वीडियो. महात्मा गांधी एक मर्द से प्यार करते थे. महात्मा गांधी व्हाट? नहीं प्लीज, ऐसे ऐसे टाइटल मत रखा करो यार, हार्ट अटैक आ जाता है. एक महापुरुष के बारे में कुछ कहने से पहले हमेशा सोचना समझना चाहिए, है ना? तो टाइटल खैर है, ये अभी टाइटल है, ओके? अभी से गुस्सा मत दिखाना कुछ, ठीक है? जो भी कट्टर स्वाधीनतावादी हैं, तो चलो पहले ये वीडियो देखते हैं, पता करते हैं इस वीडियो में है क्या, ओके? उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं वीडियो. यह है महात्मा गांधी के हाथों लिखे कुछ ऐसे खत जिनकी नीलामी जुलाई 2012 के दौरान लंदन में होने वाली थी, लेकिन इस नीलामी को रुकवाकर इन चिट्ठियों को भारत सरकार ने 7 करोड़ रुपए में खरीद लिया. ओ भाई, सरकार ने उन चिट्ठियों को खरीदे थे 7 करोड़ के आसपास की रकम दे करके, और फिर इन्हें ऐतिहासिक दस्तावेज संभालने वाले विभाग में महफूज रखवा दिया. गांधी के इन खतों का जिक्र एक मशहूर अमेरिकी लेखक ने अपनी एक किताब में किया, और इस किताब को भी भारत के कई राज्यों में बैन कर दिया गया. The Maharashtra government has decided to ban this book. दरअसल गांधी के लिखे ये खत एक सवाल खड़ा करते हैं. सवाल कुछ ऐसा कि क्या अपने जीवन के एक दौर में किसी पुरुष के साथ महात्मा गांधी के शारीरिक संबंध थे? पागल है क्या? कुछ भी. यह खत गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले एक शख्स को लिखे थे जिसका नाम था हरमन कालेनबाख. कालेनबाख एक आर्किटेक्ट और बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ उस समय का एक धनवान व्यक्ति भी था. दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए नौजवान गांधी की मुलाकात कालेनबाख से हुई. दोनों दोस्त बन गए और जल्द ही इनकी ये दोस्ती आसमान चढ़कर बोलने लगी. कालेनबाख ने गांधी के साथ रहने के लिए एक नया घर बनवाया जिसे उसने खुद डिजाइन किया था. So Gandhi he stay here for 2 years with his friend Hermann Kallenbach, the architect who built this house for him. इन दोनों ने तकरीबन 2 साल तक का समय इस घर में एक साथ व्यतीत किया. कालेनबाख को गांधी इस कदर अच्छा लगने लगा कि उसने जोहान्सबर्ग के पास मौजूद अपना 1000 एकड़ खेत भी गांधी के नाम कर दिया. गांधी टॉलर. अब गांधीवादी लोग भले ही इसे महज दोस्ती का नाम दे, लेकिन खुद गांधी अपनी आत्मकथा में कालेनबाख को अपना सोलमेट यानी कि आत्मा का साथी बताते हैं. बहरहाल दोनों एक दूसरे से उस समय अलग हुए जब 1914 में गांधी और कालेनबाख एक साथ भारत आ रहे थे, लेकिन पहले विश्व युद्ध के चलते कालेनबाख को भारत आने की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे, और यही वो पत्र है जो कि गांधी के चरित्र पर आज सवालिया निशान खड़ा करते हैं. गांधी द्वारा लिखित इन प्रेम भरी चिट्ठियों का वर्णन लेखक जोसेफ लेलीवेल्ड ने अपनी इस किताब में बखूबी किया है, जिसके मुताबिक गांधी ने एक पत्र में लिखा कि तुमने मेरे शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है और यह गुलामी मुझे हसीन लगती है. How completely you have taken possession of my body, this is slavery with a vengeance. दोनों इन पत्रों में वादा करते हैं कि वो एक दूसरे से इतना प्यार करेंगे जितना कि आज तक दुनिया वालों ने देखा तक ना हो. The two then pledged to each other more love and yet more love, such love as they hope the world has not yet seen. इसके अलावा गांधी एक खत में कालेनबाख को लिखते हैं कि मेरे बिस्तर के पास आज भी रुई और वैसलीन पड़ी है जो कि मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाते हैं. What? Gandhi had cotton wool and Vaseline next to his bed, and also that it was a constant reminder of Kallenbach. तो रुई और वैसलीन का दो दोस्तों के बीच में क्या काम हो सकता है, समझ पाना थोड़ा मुश्किल है. खैर, उन्होंने कालेनबाख से एक खत में वचन लिया कि तुम कभी किसी महिला की ओर ललचाई निगाहों से नहीं देखोगे. एक खत में उन्होंने लिखा कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि पुरुष और स्त्री के बीच इंटरकोर्स इतना बदसूरत हो सकता है. सन 1933 में भेजी चिट्ठी में गांधी ने अपनी पत्नी को सबसे जहरीली औरत बताया.
ये कुछ ज्यादा ही हो गया। इन पत्रों को आधार बनाकर जोसेफ लेलीवेल्ड ने अपनी किताब ग्रेट सोल में दावा किया कि हरमन कालेनबाख के साथ रहने के लिए ही गांधी ने अपनी पत्नी से किनारा कर लिया और ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। हैरानी की बात है कि खुद गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी भी अपनी डायरी में लिखती है कि कालेनबाख के सानिध्य में आने के बाद से मेरा पति मुझसे दूर होता जा रहा है। जाहिर है कालेनबाख ने भी गांधी को पत्र लिखे थे, लेकिन वो पत्र आज तक नहीं मिले। शायद गांधी जी उन्हें संभाल कर नहीं रख पाए। हालांकि कालेनबाख ने गांधी द्वारा लिखी ये चिट्ठियां संभाल कर रखी, जो कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी एक रिश्तेदार को मिली और साल 2012 में लंदन में इनकी नीलामी होने वाली थी, लेकिन इस नीलामी को रुकवाकर उस समय की सरकार ने इन्हें 7 करोड़ रुपए में खरीद लिया। India's Ministry of Culture looked through these letters and wrote back to the government, it is, quote, the highest priority that we purchase these right away. इसी वजह से इंटरनेशनल मीडिया अटकलें लगाने लगी कि यह खरीदारी इस चिंता के कारण की गई थी कि इन पत्रों से पता चलेगा कि गांधी समलैंगिक थे। दोस्तों, समलैंगिक होने को हम बुरा नहीं बता रहे और ना ही कानून के अंतर्गत ये कोई अपराध है, लेकिन अगर वही शख्स सत्य को छुपाए जिसने दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया हो तो चर्चा तो बनती है। खैर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो खत्म। देखो, मेरा जो ओपिनियन है यहाँ पे, मैं अपना वो ऑनेस्टली दूंगी, ठीक है। आज हम जिस समय में रह रहे हैं, वहाँ पे समलैंगिक होना कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और अगर कोई इंसान गे है या लेस्बियन है, ट्रांस है, कोई भी है, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, कोई बुराई नहीं है उसमें। मैं खुद इन्हें बुरा नहीं मानती और ना ही ये कोई मतलब इस टाइप के समाज से हैं जिन्हें हमें बुरा मानना चाहिए, है ना। तो क्योंकि ये भी इंसान हैं, ठीक है, और प्लीज़ इन्हें भी एक टैबू की तरह ना देखकर आप एक नॉर्मल इंसान की तरह ही इनके साथ बिहेव करेंगे तो ज़्यादा सही होगा। बात ये करते हैं कि जैसे इन्होंने लास्ट में बोला, रिसर्च के नरेटर ने, कि जो इंसान हमेशा सच के बारे में बात करता था, सत्य और अहिंसा के बारे में, ठीक है, वो अगर सच को छुपाए, तो पहली बात तो बहुत सारे कारण निकल के आते हैं कि उन्होंने अगर ऐसा था भी कुछ, ठीक है, तो वो क्यों छुपाया, है ना। क्योंकि गांधी जी जिस समय में थे, उस समय में भी इंडिया तो आज भी इन रूढ़ियों से नहीं उभरा है, तो उस टाइम कौन एक्सेप्ट करता, है ना। एज अ लीडर उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, पहली बात तो, है ना, कि अगर पता चलता ये चीज़ें कि गांधी जी समलैंगिक थे या नहीं थे, जो भी है यार, इस चीज़ को मैं तो यहीं छोड़ देती हूँ, क्योंकि हाँ, मैं भी कहीं ना कहीं गांधी जी के कुछ वो हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें सही मानती हूँ, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मैं सारे उनके एग्री भी नहीं करती, ठीक है जी। कि जैसे वो वाला एक प्रिंसिपल है ना, कि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, मैं बिल्कुल नहीं मानती इस चीज़ को। मैं इस चीज़ में मैं भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस वाली जो थ्योरी है उसे अपनाना ज़्यादा अच्छा मानती हूँ, है ना। तो ये चीज़ है कि मतलब देखो, कहीं ना कहीं हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स को उनके मानते हैं, है ना, कुछ प्रिंसिपल्स हमारे हिसाब से थोड़े से ऑड हैं, पुराने एक्चुअली कह सकते हैं, उन्हें गलत भी नहीं कहते, पुराने कह सकते हैं, है ना। सो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें अलग अलग सोचने पर मजबूर करती हैं, ठीक। यहाँ पर ऐसी कई सारी प्रूफ हमें दिखाया गया, ये वीडियो फैक्ट बेस्ड है, ना रिसर्च वाले गांधी जी को गलत कह रहे हैं, ना मैं कह रही हूँ, ठीक है, वो फैक्ट बेस्ड है। उनकी ज़िंदगी थी, वो अपने जीवन के अर्ली स्टेज में क्या कर रहे थे क्या नहीं, इतना ज़्यादा हमें उनके बारे में नहीं पता है, आत्मकथा में पता है, ठीक है, आत्मकथा के थ्रू ही हमें वो चीज़ पता चलती है। जिन्होंने भी गांधी जी की जो बायोग्राफी है, ठीक है, या आत्मकथा वगैरह है वो पढ़ी है, उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा कि उन्होंने किस तरह से किस चीज़ को नरेट किया है, क्या जगह दी है। वो जहाँ तक इसमें बोला कि हाँ, जहरीली औरत बताया,
ठीक है, अपनी पत्नी को, तो ऐसा तो मैंने उनकी आत्मकथा में ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है बाय द वे, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि वो उनके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा मार्गदर्शन करती थी उनका, कस्तूरबा गांधी जो थी गांधी जी को शुरुआत में, क्योंकि उनसे बड़ी थी एज में, है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें इंस्पायर करती थी, काफ़ी ज़्यादा उन्हें सही दिशा चुनने में मदद करती थी, ठीक। बाद में क्या था क्या नहीं था वो उनकी ज़िंदगी की बात है, हम कोई नहीं होते जज करने वाले, लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि आपकी क्या राय है, ठीक है, मैंने अपना ओपिनियन बता दिया। वो अगर थे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अगर वो समलैंगिक थे तब भी मेरे लिए वो नॉर्मल गांधी जी ही रहेंगे, वो मेरे लिए महात्मा गांधी ही रहेंगे, ठीक है, और अगर नहीं थे तो कोई बात ही नहीं बनती, है ना। सो यार यहाँ पर मैं ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, और आप लोग अपने अपने कमेंट्स जो हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मतलब अपने अपने ओपिनियन, ठीक है, आपकी क्या राय है क्या नहीं है क्या सोचते हो आप, सब कुछ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जिन लोगों को भी ये बार बार लोग कहते हैं आप इंस्टाग्राम आईडी नहीं देते हो, भाई हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी मेरी रहती है, ठीक है, प्लीज़ आप लोग चेक कर लिया करो। तो चलो मैं यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हाँ अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए सॉरी फील करती हूँ कि आपको कोई भी चीज़ मेरी गलत लगी, बाय द वे दैट्स माई ओपिनियन, ओके, जो मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन हर वीडियो में देती हूँ। सो बस यार, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।